अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को डिस्कस किया था, उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया था, एक सेक्शन 2.3। और आज हमारा जो टारगेट है 2.4 का टारगेट है, ठीक है। इस सेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम 2.4 को डिस्कस करें और 2.4 के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट से फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है। हम कोशिश करेंगे कि उन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के थ्रू जो है वो हम फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन को जो है वो सीख सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज सेक्शन 2.4 फ्रॉम बडनिक। बडनिक की जो बुक है आपके पास, जिसके हैंडआउट आपके पास जो है वो मैंने प्रायर आपको जो है वो पहले ही शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो लेट्स मूव टू आवर एक्सरसाइज, दैट इज सेक्शन 2.4 फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करते हुए हमने जो है वो यहाँ पर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को जो है वो इस्तेमाल करना है, और उन एट्रीब्यूट्स के थ्रू जो है वो हमने क्या करने हैं, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का मतलब डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब डिफरेंट कंडीशन है जिसके थ्रू आपने जो है वही काम करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट एट्रीब्यूट से, यानी फर्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, और इसका एट्रीब्यूट है दैट इज स्लोप, ठीक है जी। स्लोप इक्वल्स टू -2, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 0.10। ये वाई इंटरसेप्ट को लिखने का एक तरीका है, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट की कंडीशन होती है उसमें एक्स जीरो होता है। तो पॉइंट के अंदर एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। तो एक्स और वाई का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स और वाई का मतलब यहाँ आपके पास क्या शो कर रहा है, दैट इज एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 10। तो ये वाई इंटरसेप्ट लिखने, कभी भी आपको पॉइंट में इतना एक वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू लिखी हुई नजर आए तो समझ जाए कि वो इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। y इंटरसेप्ट अगर x 0 होगा तो एक नंबर y की वैल्यू की फॉर्म में यहाँ पे गिवेन होगा, ठीक है जी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है जी, कि आपके पास एक स्लोप गिवेन है और एक y इंटरसेप्ट गिवेन है। तो इससे जब हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है जी, इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं हम, तो इसके सॉल्यूशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके सॉल्यूशन के हिसाब से स्लोप और y इंटरसेप्ट हमें यहाँ पे गिवेन है। स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन होने का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी हुई है, ठीक है। और वो क्या है आपके पास, दैट इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के, ठीक है। अब एम एक्स प्लस के आपने जो है, जो आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी हुई है उसके अंदर आपके पास स्लोप की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, एम आपके पास यहाँ पे आ गया है -2, और के यानी वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है 10। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू -2x प्लस 10, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा एट्रीब्यूट था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर स्लोप और इंटरसेप्ट ही आपको गिवन था, तो डायरेक्टली हमने क्या करना था, स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू को पुट कर कर अपनी इक्वेशन फॉर्म करनी थी, और ये इक्वेशन हमारी बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के थ्रू y इक्वल्स टू -2x प्लस 10। इसको मुझे और कुछ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो जिस एट्रीब्यूट के अंदर स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन होगा तो वो एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा आसान होगा, उसके अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू को पुट करना होगा। देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट, और नेक्स्ट एट्रीब्यूट आपके पास क्या है, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, दैट इज स्लोप इक्वल्स टू -3, ठीक है जी। और अब यहाँ पे जो है वो वाई इंटरसेप्ट नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 -2 लाइज ऑन लाइन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक लाइन है जिसका स्लोप जो है वो क्या है, -3, और 4 -2 एक पॉइंट है जो उस लाइन पे लाए कर रहा है, क्योंकि ये जो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं, लीनियर इक्वेशन का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि स्लोप -3 है उस लाइन का,
और वो पास हो रही है एक 0.4-2 के साथ, ठीक है जी। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें तो इसके सॉल्यूशन के हिसाब में क्या हो जाएगा, आप इसके सॉल्यूशन के अंदर आपके पास m की वैल्यू कितनी आ गई है भाई, m की वैल्यू तो आपके पास आ गई है -3, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे वैल्यू किस चीज़ की गिवन है, यहाँ आपके पास वैल्यू x और y की गिवन है, x y पॉइंट है, ठीक है जी, 4-2। अब इसको आप इंटरसेप्ट नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी आ रही है और y की वैल्यू भी आ रही है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर 0 होगी तो फिर वो इंटरसेप्ट बनेगा। अगर x 0 होगा तो y इंटरसेप्ट बन जाएगा, और अगर y 0 होगा तो वो x इंटरसेप्ट बनेगा। मगर यहाँ पे दोनों की वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। जब आपके पास कोई ये पॉइंट की वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट तो अवेलेबल नहीं है, तो मुझे इंटरसेप्ट कैसे निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ पुट एक्स एंड वाई, ये जो मेरे पास एक्स और वाई के पॉइंट है, पुट एक्स एंड वाई इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है जी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इस एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के, ठीक है जी। तो वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -2, ठीक है। एम आपके पास कितना है, -3, एक्स कितना है 4, और के की वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस माइनस 3 4 12 प्लस के, ठीक है। और ये -12 इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +12, इट विल बिकम के। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं तो के की वैल्यू क्या बन जाएगी, -2 प्लस 12, इस के की वैल्यू आ जाएगी 10। तो देयरफॉर अब अगर मैं अपनी इक्वेशन लिखता हूं वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के, तो अब मेरी इक्वेशन बन जाएगी वो क्या होगी, वाई इक्वल्स टू एम की वैल्यू थी -3, एक्स प्लस के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है ये वो इक्वेशन है जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, और ऊपर जो वर्किंग है मेरी वो किसको चीज को शो कर रही है, वो ये शो कर रही है ये आपके पास के इंटर के इक्वल्स टू 10। ये जो के इक्वल्स टू 10 है ये मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया है, वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया ताकि मैं अपनी इक्वेशन जो है वो यहाँ पे निकाल सकूँ। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी वाई इक्वल्स टू -3x+10, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है जी। ये है कहलाएगा हमारा दूसरा एट्रीब्यूट, जिसके अंदर अगर हमारे पास स्लोप और पॉइंट गिवन होगा तो हम स्लोप और पॉइंट के अंदर क्या करेंगे, पॉइंट की मदद से पहले इंटरसेप्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे पॉइंट और स्लोप की मदद से, और फिर स्लोप और इंटरसेप्ट को हम क्या कर लेंगे, स्लोप और इंटरसेप्ट को रखकर हम यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड एट्रीब्यूट जिसमें स्लोप और पॉइंट गिवन हो, वो पॉइंट जिस जो सॉरी लाइन पे से जो पॉइंट गुजर रहा है, ठीक है जी, लाइन जिस पॉइंट से गुजर रही है वो पॉइंट की मदद से हमने क्या किया यहाँ पे इक्वेशन को फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये छः छः पांच क्वेश्चंस हैं जो सेम सेम हैं, जिसके अंदर सेम सेम एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ठीक है जी, वो आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो आपका थर्ड एट्रीब्यूट डेवलप होगा वो आएगा आपके पास कि अगर आपको दो पॉइंट्स दे दिए जाए, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने थर्ड एट्रीब्यूट की तरफ, और थर्ड एट्रीब्यूट हमारा क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है जी। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, और 21 एट्रीब्यूट में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है -4 एंड 5, ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -2 एंड -3, ठीक है जी, और आगे लिखा हुआ है लाई ऑन लाइन, ठीक है जी, लाई ऑन लाइन, यानी जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालती है ये दोनों पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, हम उसकी मदद से इक्वेशन कैसे बनाएं, हम तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में जाते हैं सबसे पहले, ठीक है, और सॉल्यूशन में हम क्या ले लेते हैं, पहला पॉइंट ले लेते हैं हम x1, ठीक है जी, और y1 जिसको हम कहेंगे -4 5, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं x2
एन वाई टू, जिसे हम कहेंगे माइनस टू एन माइनस थ्री। ठीक है, अच्छा हमने दो पॉइंट्स की मदद से स्लोप निकाला था, ठीक है जी, तो उसका फॉर्मूला था फॉर स्लोप, ठीक है जी, एम इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, तमाम वैल्यूज जो है वो पुट हो जाएंगी, y2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी माइनस थ्री, फिर फॉर्मूले का माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है फाइव, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है माइनस टू, ठीक है माइनस, और x1 की वैल्यू है माइनस फोर। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, माइनस थ्री माइनस फाइव डिवाइडेड बाय माइनस टू माइनस माइनस प्लस फोर, यानी ये हो जाएगा आपके पास माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा एट, साइन बड़े नंबर की रहेगी, और माइनस टू प्लस फोर ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस, फोर माइनस टू विल बिकम टू। तो आपके पास m की वैल्यू जो जनरेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये टू और एट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या फोर, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस फोर। तो स्लोप आपके पास कितना आ गया, स्लोप आपके पास यहाँ पर आ गया है दैट इज माइनस फोर। क्लियर हो गई बात, ये हमने दो पॉइंट्स की मदद से क्या किया, ये दो पॉइंट्स की मदद से हमने जो है वो स्लोप कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जब स्लोप हमारे पास आ गया, ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास स्पेस है तो हम सामने ही ले लेते हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग स्लोप एंड वन पॉइंट, बल्कि हम इसके ऊपर लिख लेते हैं फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है जी, y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग स्लोप एंड वन पॉइंट, ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर किया था वैसे ही हम यहां पे भी कर लेते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के, ठीक है, एक पॉइंट यूज करना है हमने, तो दो में से कोई एक पॉइंट को हमने इस्तेमाल करना है, तो लेट सपोज कि m की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस फोर, और x और y जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट दैट इज माइनस फोर एंड फाइव, तो उसकी मदद से हम क्या कर लेंगे यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू हो जाएगी फाइव, m की वैल्यू माइनस फोर, x की वैल्यू माइनस फोर प्लस k, फाइव इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर फोर का ट्वेंटी फोर फोर का ये हो जाएगा आपके पास सिक्सटीन, ठीक है, प्लस के, माइनस माइनस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए साइन इनकी चेंज हो जाएगी, ये प्लस सिक्सटीन इधर आके क्या होगा माइनस सिक्सटीन हो जाएगा, ये बच जाएगा के, और इसको इंटरचेंज करेंगे तो के की वैल्यू हो जाएगी कितनी, के विल बिकम फाइव माइनस सिक्सटीन विल बिकम माइनस इलेवन, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास क्या, के की वैल्यू आ रही है दैट इज के इक्वल्स टू माइनस इलेवन, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया आपके पास y इंटरसेप्ट, अब m भी आ गया है और k भी आ गया है, ठीक है जी, तो अब हम क्या कर देंगे, यहां पे लिख लेते हैं by putting the value of m and k in slope intercept form, ठीक है जी, slope intercept form में हम क्या करेंगे, m और k की वैल्यू लिखते हैं, y equals to mx plus k, और ये हो जाएगा आपके पास y equals to m की जगह आ जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस k की जगह आएगा माइनस इलेवन, तो इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स माइनस इलेवन, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है जी। दिस इज आवर थर्ड एट्रीब्यूट, ये हमारा तीसरा एट्रीब्यूट हो गया जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, टू पॉइंट्स की मदद से हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को क्रिएट किया, ठीक है जी। तो
ये तीन बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी मदद से हमने क्या किया है, इक्वेशन फॉर्मेशन करी है। ठीक है, ये पहला एट्रीब्यूट जिसके अंदर स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन था, दूसरा एट्रीब्यूट जिसके अंदर स्लोप और पॉइंट गिवन था, और तीसरा एट्रीब्यूट जिसमें दो पॉइंट्स गिवन थे। हमने तीनों को बारी बारी सॉल्व कर कर जो है वो यहाँ पे आपको बताया कि किस तरीके से इन एट्रीब्यूट्स को जो है वो सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या शो कर रहा है भाई, इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद जो एट्रीब्यूट है जो इक्वेशन निकालने के लिए इन्होंने दिया है यहाँ पे, वो क्या है कि अगर लाइन पैरेलल हो जाए तो पैरेलल लाइन के थ्रू जो है वो आप कैसे जो है वो अपना क्या कहते हैं दूसरी लाइन की इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो इस एट्रीब्यूट के अंदर, यानी अब हम जो कर रहे हैं दूसरा सवाल, ठीक है जी, अब जो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम मूव कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास जो है वो क्या है, मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। पासिस थ्रू 2n-4, एक लाइन है जो इस पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है जी, पासिस थ्रू 2n-4 का मतलब क्या, लाइन जो है वो इस पॉइंट से गुजर रही है, पासिस थ्रू 2n-4 एंड इज पैरेलल टू द लाइन 3x-4y=20। अब कहता है वो कि एक लाइन है, ठीक है जी, एक पॉइंट जो है वो इस लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, यानी 2-4 जो पॉइंट है वो उससे पास हो रही है, और दूसरी बात उसने क्या कही है कि वो पैरेलल है दूसरी लाइन के जिसकी इक्वेशन है 3x-4y=20। अब ये हो गया हमारा एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट जिसके अंदर उसने क्या किया है, दूसरी लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है जी, और रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन के बारे में उसने हमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि रिक्वायर्ड लाइन जो है गिवन लाइन इक्वेशन से जो है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो अगर पैरेलल हो जाती है तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अजम्पशन ले लेते हैं। ठीक है जी, एक अजम्पशन आपको याद रखना है, वो क्या है, पैरेलल लाइंस ऑलवेज हैव सेम स्लोप। ठीक है जी, पैरेलल लाइंस कितनी भी आ जाएं आपके पास एक साथ, उन सबका स्लोप क्या होगा आपके पास, उन सबका स्लोप जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हम पहले अगर इससे इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन गिवन है इससे अगर हम स्लोप निकाल लें तो क्या बन जाएगा, इसको अगर हम बल्कि इसको अगर हम ऐसे समझ लें कि इसका एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है जी, लेट सपोज के हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो एक ग्राफ है। ठीक है जी, और इस ग्राफ के ऊपर हमारे पास क्या है, एक लाइन है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन हमने ये ले ली, ठीक है जी, जिसको हमने दे दिया लाइन वन। अच्छा, और एक हमने लाइन बनाई इसके नीचे, ठीक है जी, ये अब ये दोनों लाइंस क्या हो गई, ये हो गई लाइन टू। लाइन टू का स्लोप जो है वो एम टू है, ठीक है जी, और लाइन वन का स्लोप जो है वो एम वन है। ये जो अजम्पशन है पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपका एम वन है, ठीक है जी, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा आपके एम टू के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लाइन वन का स्लोप निकाल लें जो हमें दिया हुआ है, ठीक है जी, तो हम लाइन टू जो इक्वेशन जो निकालनी है हम वो इक्वेशन निकाल सकते हैं, ऐसी है। अच्छा, ये जो पॉइंट इसने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है जी, वो क्या है आपके पास, दैट इज एक्स आपका जो है वो टू है और वाई आपके पास क्या है, -4।
एक्स टू एंड माइनस फोर का मतलब क्या हो जाएगा? हमें थोड़ी सी लाइन को जो है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इस लाइन को जो है वो थोड़ा सा पीछे करके बनाना पड़ेगा, सॉरी ये समझ लें आप, इसको थोड़ा सा जो है वो हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट की प्लेसमेंट जो है वो आपको क्लियर हो जाए। ये पॉइंट जो है वो बेसिकली थोड़ा सा नीचे लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। दिस इज लाइन वन, ठीक है, और इसका स्लोप एम टू है। ये जो पॉइंट है एक्स पॉजिटिव है और वाई जो है वो नेगेटिव, ये पॉइंट आपके पास जो है वो शो कर रहा है क्या, टू कॉमा माइनस फोर। अब ये जो रेड वाली लाइन है, ठीक है, इस रेड लाइन की इक्वेशन हमें मालूम करनी है, ठीक है, और ब्लैक वाली लाइन जो है उसकी इक्वेशन इसने हमें दी हुई है, दैट इज 3x-4y इक्वल्स टू 20। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, ये 3x-4y इक्वल्स टू 20 से पहले स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 3x ये प्लस 20 इधर आके -20, ये -4y इधर आके +4y, ठीक है जी, इंटरचेंज करके लिख लेते हैं, तो 4y इक्वल्स टू 3x-20, और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या होगा आपसे, डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, और ये डिवाइड होने के बाद क्या होगा, ये 4 3 के नीचे भी है, ठीक है, और ये 4 जो है वो 20 के नीचे भी है। इसके हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू स्लोप की आ रही है वो बेसिकली एम वन की वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ रही है, 3/4, ठीक है जी। तो इसके हिसाब से हमारा जो दूसरा स्लोप आएगा रेड वाई लाइन का वो भी क्या होगा, 3/4 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर हो गई बात ये? तो स्लोप जो है वो तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है जी। जब स्लोप आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हमने क्या करना है, रेड लाइन का इंटरसेप्ट मालूम करना है, ठीक है। ब्लैक वाली लाइन से अब हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ब्लैक वाली लाइन का स्लोप निकालना था और हमने वो स्लोप यूज करना था, तो मैंने इसलिए डिफरेंट कलर से जो है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया कि यहाँ आपके पास सेकंड स्लोप क्या आ गया, आपका सेकेंड स्लोप आ गया आपके पास 3/4, जो कि हमारा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम यहां ले लेते हैं फॉर वाई इंटरसेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है अब हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए वाई इंटरसेप्ट निकालना है अगर हमने, तो हम क्या करते हैं, यहां ले लेते हैं बाय यूजिंग स्लोप बाई यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो हमारा एम टू था, यानी एम हमारे पास क्या है, 3/4, ठीक है, और एक्स और वाई जो है हमारे पास वो कितना है, 2, -4। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है आपके पास, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के, ठीक है, और यहाँ आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास वाई की वैल्यू हो जाएगी -4, एम की वैल्यू हो जाएगी 3/4, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस के। तो -4
थ्री टू द सिक्स अपॉन फोर प्लस के, ठीक है। अच्छा, अब ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शन है और के जो है वो आपको सिंपल नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिक्स अपॉन फोर को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और यहाँ बच जाएगा आपके पास के। तो इंटरचेंज करके लिख ले अगर, तो के इक्वल्स टू -4 सिक्स अपॉन फोर, और इसका एलसीएम लेंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा, फोर। इस फोर के नीचे क्या है भाई, इस फोर के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस फोर के नीचे होगा वन। तो वन और फोर का एलसीएम फोर रहेगा, ठीक है जी। -1 इंटू फोर फोर, तो फोर फोर का क्या हो जाएगा आपके पास 16। फोर के टेबल में फोर कहाँ आता है, फोर वन जो फोर, तो सिक्स वन जो क्या हो जाएगा सिक्स। तो के की वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी वो हो जाएगी -22/4, ठीक है जी, दैट इज -22/4। देन फिर फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन m इक्वल्स टू 3/4 एंड k इक्वल्स टू -22/4। m आ गया 3/4 और k आ गया हमारा, ठीक है जी, -22/4, और y इक्वल्स टू mx प्लस k, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू m की जगह आ जाएगा आपके पास 3/4x प्लस k की जगह आ जाएगा -22/4, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 3/4x प्लस माइनस -22/4, ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। और इसको आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास रेड लाइन वाली इक्वेशन, y इक्वल्स टू 3/4x -22/4। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें, यानी हम लिखेंगे कैसे, कहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू, ये हो जाएगी आपके पास y इक्वल्स टू 3/4x -22/4। ये इक्वेशन थी जो हम हमें जो है वो उसने मांगी थी हमसे, और उस एट्रीब्यूट के अंदर हमने क्या किया, उस एट्रीब्यूट के अंदर हमने यहाँ पे, हम दोबारा थोड़ा सा जो है वो रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है जी। इसने कहा कि एक लाइन है जो कि इस पॉइंट 2-4 से गुजर रही है और वो एक दूसरी लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन है 3x-4y=20। तो यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे आपको जो है वो दो क्या कहते हैं लाइन्स ड्रॉ करके दिखाई है, ब्लैक वाली लाइन की इक्वेशन गिवेन है, रेड वाली लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। रेड वाली लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है जो कि 2-4 है, ठीक है, और ब्लैक वाली लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है सवाल में, रेड वाली लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है, ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। तो जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो इनके स्लोप्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, सेम हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, ब्लैक वाली लाइन की इक्वेशन से स्लोप की वैल्यू निकाली और उसको यूज किया रेड वाली लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, क्लियर हो गई बात ये। फिर तरीकेकार आपका सेम था, पहला जो सिर्फ ये अजम्पशन आपको इसमें सीखनी थी, अजम्पशन सीखने के बाद जो काम किया है ये मैंने जो ऊपर वाले एट्रीब्यूट में काम किया था मैंने फिर वही वाला काम किया यहाँ पे, ठीक है, कि एक पॉइंट और स्लोप को जो है इस्तेमाल करते हुए मैंने इस इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया जो आया -22/4, और उसके बाद फिर आपके पास क्या आ गया, देन उसके बाद फिर आपने जो है यहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट करी जिसके अंदर आपके पास स्लोप की वैल्यू थी 3/4 और इंटरसेप्ट की वैल्यू थी -22/4, ठीक है जी। इसको आप और जो है वो मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, गॉट इट। इसके बाद जो हमारा
एक लास्ट एट्रीब्यूट है, ठीक है? अब हम अपने लास्ट एट्रीब्यूट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? और वो एट्रीब्यूट क्या है? वो एट्रीब्यूट आपके पास जो है वो है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास जो है वो आपके पास है, दैट इज पासिस थ्रू 20, -30, 20, -30 एंड इज परपेंडिकुलर, ठीक है जी? अब पैरेलल नहीं है, अब क्या कह रहे हैं, वो परपेंडिकुलर है टू द लाइन 4x+2y इक्वल्स टू -18। यानी अब आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे कहता है कि एक लाइन है जो कि 20, -30 से गुजर रही है और वो परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के, जिसके जिसकी इक्वेशन है 4x+2y, ठीक है? तो अब यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास इसके सॉल्यूशन के अंदर जो अजम्पशन है, ठीक है जी, वो क्या है, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है जी, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1। यानी अगर हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएं तो उनके प्रोडक्ट के स्लोप्स जो हैं उनका, यानी दोनों प्रोडक्ट दोनों स्लोप्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बिकम -1। तो हम उसको लिख सकते हैं कैसे, कि अगर एक स्लोप m1 है एक स्लोप m2 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है? अब इसके लिए क्या है, इसके लिए हम एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है? और एक ग्राफ पे जो है वो इसको समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। अच्छा, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। अब एक लाइन है जो इसने आपको बताई है कि जो लाइन आपकी, दैट इज द गिवन लाइन, ठीक है? लेट सपोज कि वो ये लाइन है, फॉर एग्जाम्पल वो लाइन ये है, और इसको हमने लाइन का नाम दे दिया लाइन 1। इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इसका स्लोप होगा m1, और इसकी इक्वेशन क्या है आपके पास, दैट इज द 4x+2y इक्वल्स टू 18। गॉट इट? अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो एक और लाइन है, ठीक है, जो दूसरी लाइन जो आपको रिक्वायर्ड लाइन है आपकी, और वो रिक्वायर्ड लाइन कैसी है भाई, वो रिक्वायर्ड लाइन ऐसी है कि जो इस लाइन के क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस लाइन की परपेंडिकुलर है। इसको हमने नाम दे दिया लाइन 2 का। इसका जो स्लोप होगा वो होगा m2, और इसकी इक्वेशन जो है, बेसिकली इसकी इक्वेशन हमें मालूम नहीं है, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। और ये जो लाइन है आपके पास, वो आपके पास क्या है, एक पॉइंट है वहां से गुजर रही है, जो आपका पॉइंट क्या है, आपका 20, -30, ठीक है? क्लियर हो गई बात ये? तो हमें रेड लाइन की इक्वेशन निकालनी है, रेड लाइन का स्लोप हमें मालूम नहीं है, ब्लैक लाइन गिवन है, उसकी इक्वेशन भी गिवन है, ठीक है जी, और उस इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप निकालेंगे। तो अगर हम अपनी इस अजम्पशन को ऐसे लिख लें, कैसे, कि ये होगा हमारा m1, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ये हो गया m2, ठीक है, और इसका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो अगर मैं m1 की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, तो m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं मैं। m2 की वैल्यू निकालने के लिए फिर क्या हो जाएगा आपके पास, m2 की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास जो वैल्यू आएगी, m2 इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m1, ठीक है?
अब M1 को क्या करेंगे? फॉर द स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है, फॉर द स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन क्या है आपके पास, दैट इज 4x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 18, और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा, ये 2y को यहीं रखते हैं, प्लस 4x इधर आके क्या होगा, माइनस 4x माइनस 18, y और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2, ठीक है जी। तो ये 2 जो है वो आपके पास क्या है, ये 2 आपके पास जो है वो 4 के साथ भी है और 18 के साथ भी है, तो y इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 18 अपॉन 2, तो 4 वन जा 4, 2 जा 2, 1 जा 2, 9 जा, तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास y इक्वल्स टू माइनस 2 x माइनस 9, तो देयरफॉर तो स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, स्लोप इक्वल्स टू कौन सा स्लोप आ रहा है, ये हमारे पास ये स्लोप आ रहा है m1, ठीक है, m1 आ गया आपके पास कितना, माइनस 2, माइनस 9 जो है वो इंटरसेप्ट की वैल्यू है ब्लैक वाली लाइन की, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है जी, हम उसका हम क्यों उसको जो है वो कैलकुलेट करें, हमें तो स्लोप चाहिए था, स्लोप मिल गया माइनस 2, ठीक है जी। तो अगर हम अब हमें ये M2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, फॉर M2, ठीक है जी, तो M2 बेसिकली M2 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, M2 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन दैट इज M1, ठीक है, इसको भी ऐसे लिखते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास फॉर M2, M2 की वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपॉन M1, तो हमारे पास M2 हो जाएगा कितना, M2 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 2, ठीक है, तो M2 की वैल्यू आ जाएगी M2 इक्वल्स टू, ये माइनस और माइनस कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन 2, क्लियर। तो जैसे ऊपर हमने कहा था कि दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो क्या होती हैं, दो पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं, इसी तरीके से क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर दो स्लोप्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है जी, अगर दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं आप तो उनका आंसर होगा माइनस 1, और इसी अजम्पशन को इस एट्रीब्यूट में यूज करते हुए मैंने क्या किया, गिवन इक्वेशन से मैंने स्लोप की वैल्यू निकाली, और स्लोप निकालने के बाद अजम्पशन को यूज करते हुए सेकेंड स्लोप की वैल्यू को यूज कर लिया, ठीक है जी। इसके बाद का काम जो है वो पूरा सेम काम है, ठीक है जी, जो हमने ऊपर वाले एट्रीब्यूट में किया था, और उस एट्रीब्यूट के अंदर जो काम किया था उसी को ही आपने क्या करना है, आगे इसको अब फॉलो अप पे लेके जाना है, ठीक है, यानी अब आपका जो है वो टास्क हो जाएगा कि आपने इस सवाल को जो है वो कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो अब इस सेशन के अंदर, ठीक है जी, इस सेशन के अंदर हमने जो चीज़ें जो जितनी कर ली हैं, जितनी चीज़ें हमने जो है वो कवर अप करी, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स थी फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के हवाले से, ठीक है जी, और फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के अंदर से जो है वो हमने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को देखा कि जिससे हम जो है वो इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट अगर गिविन हो, या पॉइंट और स्लोप गिविन हो, या टू पॉइंट्स गिविन हो, या एक पॉइंट और एक इक्वेशन गिवन हो, तब भी हम कैसे जो है वो इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट हमने सवाल जहाँ तक लेकर आए हैं वो आपका टास्क है कि उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि जो काम यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, जो सवाल आप यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, आप उन सवालों को देखते हुए खुद उसी सवाल को पहले सॉल्व करें, ठीक है, और देन उसके बाद फिर उसके बाद के जो सवाल हैं उनको प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व कर लें। अगर आप इस तरीके से तरीके प्रिपरेशन करेंगे अपनी, तो आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आई एम अवेलेबल ऑन योर ग्रुप्स, ठीक है? आप जो है वो ग्रुप फॉर्म के अंदर भी मुझसे पूछ सकते हैं, आप इंडिविजुअल भी मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं एडिशनली एक चीज़ आपको और ऐड कर दूँ कि जो डे टाइम में मेरी अवेलेबिलिटी है, उसके अंदर आप जो है वो ग्रुप इंटरेक्टिव मीटिंग भी जो है वो मेरे साथ जो है वो प्लान कर सकते हैं। अगर कोई 3-4 लोग हैं जिनको कोई कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, तो वो अपनी कन्फ्यूजन्स को कलेक्ट करके इंटरेक्टिव जो है वो मेरे साथ सेशन कर लें, तो मैं आपके जो है वो उन सेशंस को जो है वहीं पे ही जो है वो उनको सेटल डाउन शॉर्ट डाउन कर दूंगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें अपनी प्रिपरेशन के हवाले से भी, और कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ लें। ठीक है, आई एम अवेलेबल। नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।